संदीप पांडे एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया जी। तो उसके बाद 99 में हम लोगों ने पोखरण से सारनाथ की एक लंबी पदयात्रा तय की थी, आपको मालूम है, विश्व शांति यात्रा, जिसका उद्देश्य वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण था। पोखरण जब हम पहुंचे तो हमारा रास्ता रोक लिया गया। वहां पे जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल वगैरह के लोग थे वो रास्ता रोक के नारे लगा रहे थे। हमें मालूम था कि हमारा रास्ता रोका जाने वाला है। हम लोगों ने पहले तय कर लिया था कि अगर हम लोगों के साथ कोई इस तरह से जो भी बदतमीजी करेगा या गाली गलौज करेगा तो हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ गाने गाएंगे। तो हमारे साथ हमारे साथी महेश थे, जो जिन्होंने उस यात्रा के 88 दिन हर एक दिन कार्यक्रम में वो गाना गाया था जो हमने वहीं राजस्थान से लिया था। वहां उर्मूल की जो टीम थी, सांस्कृतिक मंडली, वो हमारे साथ शुरू में थी। उर्मूल का ऑफिस था पोखरण में और वो गाना था, मैं तुमको विश्वास दूं तुम मुझको विश्वास दो। तो हमारे खिलाफ नारे लग रहे थे और हम गाना गा रहे थे और पुलिस उन्हें पीछे ढकेल रही थी और हम आगे बढ़ रहे थे। मेरा एक आश्रम है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हरदोई में। हरदोई एक बहुत गरीब पिछड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का, अपने जो विकास के मापदंड है उसके हिसाब से हरदोई और सीतापुर लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले माने जाते हैं और वहां पे दलित आबादी काफी है। लोग गरीब हैं लेकिन बंदूक रखने का शौक है लोगों को, तो गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरे कंधे पे बंदूक लटकनी चाहिए भले ही उसके पैर में चप्पल ना हो और वो साइकिल लेके चल रहा हो। तो ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने एक ये जो पूरी हथियारों की संस्कृति है इसको अप्रासंगिक बनाने के लिए एक चीज प्रचलित की और वो ये थी कि हम अपनी सभाओं में खुल के कहते थे कि भाई बहादुर लोगों को तो कोई हथियार रखने की जरूरत है नहीं, जो डरपोक है वो हथियार रखते हैं। और हमने ये खुल के कहना शुरू कर दिया कि हमारी मीटिंगों में कोई डरपोक आदमी ना आए और जो हथियार लेके आए हैं वो कृपा करके हमारी मीटिंग से बाहर चले जाएं, क्योंकि ये बहादुर लोगों की मीटिंग। तो इससे जो क्षेत्र के जो दलित गरीब लोग थे उनके अंदर बहुत उत्साह बढ़ता था। अशोक सिंघल तब जिंदा थे, विश्व हिंदू परिषद का त्रिशूल बांटने का कार्यक्रम था सुल्तानपुर में। एक पैरेलल मंच लगा के उन्होंने तय किया कि हम भगवद गीता बांटेंगे और मुझसे बिना पूछे उन्होंने मेरे नाम की घोषणा कर दी कि वो आएंगे और वो यहाँ पे गीता बांटेंगे। और उस दिन मैंने मन से कहा कि देखिए मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन राम और कृष्ण हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो उनको भगवान मानते हैं उनका मैं सम्मान करता हूं और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जैसे महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने लड़ाई में शामिल न होते हुए सत्य का साथ दिया, उस तरह से आप हमारी ये जो लड़ाई है सांप्रदायिकता के खिलाफ इसको आप लड़िए मत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लड़िए, लेकिन आप कम से कम सत्य का साथ दीजिए और इसलिए हम आज यहाँ से गीता बांट रहे हैं। और हमने भगवत गीता पे विनोबा की जो टिप्पणी थी वो उसको हमने बांटा, साथ में गुलाब का फूल भी था। और हमारे हमारी ऑडियंस में भी मुस्लिम थे और हमारे मंच पे भी मुनीजा रफीक खान थी जो बनारस के गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज की रजिस्ट्रार है। और हमारे कार्यक्रम में अशोक सिंघल के कार्यक्रम से 8 गुना ज्यादा लोग थे और हमने ये घोषणा की कि अब विश्व हिंदू परिषद जहां जहां त्रिशूल बांटेगा उत्तर प्रदेश में हम वहां बगल में मंच लगा के गीता बांटेंगे। और आपको ये बता दें कि उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में त्रिशूल नहीं बांटे। और जितनी देर में हम सुल्तानपुर से लखनऊ आए वापस, 136 किलोमीटर की दूरी है, तब तक सहारा समय पे नेशनल डिबेट चल रही थी त्रिशूल की धार और गीता का सार। जैसे लॉकडाउन के समय में मैंने बताया कि हम लोगों ने रसोईयां चलाई,
तो हमको कोई हिंदू मुस्लिम एकता का अलग से कार्यक्रम नहीं करना पड़ा, वो हमारे रसोई में ही लोग मिलके कर रहे थे। जिन लोगों का भी इन मूल्यों पे विश्वास है उनको आगे निकलना पड़ेगा और लोगों के बीच में आना पड़ेगा। लोगों के बीच में गए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता, ये तो बात तय है। तो लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। और आप जब 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 आप जाएंगे और अगर आप उन मूल्यों को मानते होंगे तो वो मूल्य भी आपके साथ जाएंगे। आप जो भी करेंगे वो मूल्य उसमें दिखाई पड़ेंगे ही, और जब वो मूल्य दिखाई पड़ेंगे तो लोग उसको ग्रहण भी करेंगे।